ये मेरा पीयूष। क्या तुमने हार मान ली? मजे हार मानोगे ऐसे व्लॉग बनाओगे? तो हाँ जी, सीन कुछ ऐसा है कि कल रात प्लान बनाया था रानीखेत जाने का। वैसे रानीखेत जाने का जो प्लान था वो काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी, पर सबको बोला कि कोई नहीं कल सुबह निकलेंगे, पर भाई मुझसे सुबह उठा नहीं गया। मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। कम से कम सैम ने मुझे 7-8 कॉलें करी, फिर विशाल भैया ने करी, और तब जाके मैं उठा। तो अभी जो है हम विशाल भैया के घर पर हैं, और मेन बात क्या, गुड मॉर्निंग, अब यहाँ से सफ़र चालू होने वाला है हमारा। तो सीन जो है यहाँ पे सब अपने अपना करवाई कैमरे ले लेके चल रहे हैं। क्या करना है हमें? हमारी जो कहानी है उसमें अभी तक पता नहीं चला है कि हमें जाना कहाँ पे है। अब मेन प्रॉब्लम जो होती है हमारी बस यही होती है, पर आज पहली ट्रिप है जिसमें हम बहुत सुबह निकले, वरना हमेशा ट्रिपें जो होती हैं हमारी वो 2 बजे के बाद ही होती है। सैम कितने बजे आया था भाई तू? भाई मैं 5:30 बजे तो सब लोग हम निकल चुके हैं, और ये हमारे ब्लॉग का पीयूष ये भाई मेरे ब्लॉग का पीयूष मिल गया मुझे। और विक्की मैम अभी हमारे पीछे जो बाइक चल रही है विशाल भैया, आज हम मेरे पीयूष के पीछे बैठे हुए सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। तो घर के बाद में एक स्टॉप लिया है क्योंकि पेट्रोल भी तो डलाना है। अब भाई पेट्रोल डला लेते हैं। तो इतनी देर से चलने के बाद में एक ब्रेक लेना तो बनता था, और जब तक चाय नहीं पियेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि घर से चाय पी के चले थे, फिर उसके बाद में रास्ते में भी तो चाय पीना ज़रूरी है, और मैगी तो पहाड़ों वाली खाएंगे, अभी पहाड़ चालू हुए नहीं है। बाकी मैं आज के अपने ब्लॉग का आपको पीयूष दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज ब्लॉग चलेगा। ये हमारे ब्लॉग का पीयूष है। क्या खा रहे हो पीयूष? पीयूष क्या खा रहे हो? पीयूष क्या खा रहे हो? ये बिस्किट खा रहा है ये याद भाई। और आज का जो ब्लॉग है भाई वो ऐसा अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ में ब्लॉगर आए हैं। ये चल रहा है, ये देखो कभी उधर से ब्लॉग बना रहा है, कभी उधर से ब्लॉग बना रहा है, आज ये चल रहा है। कहानी में एक ट्विस्ट आते हुए, पहले लोगों ने डिसाइड किया था कि अल्मोड़ा चलेंगे, और उसके बाद विशाल भाई अब चेक कर रहे हैं जाना कहाँ है। फिर दोबारा एक दिक्कत, अब अल्मोड़ा का प्लान बनाया था, पर अल्मोड़ा वाला जो सीन है वो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि चले या नहीं चले। तो अभी के जो सीन है ना वो इस तरीके के होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने सोच लिया था कि अल्मोड़ा चलेंगे, पर अल्मोड़ा का जो प्लान है वो थोड़ा सा मुझे कच्चा सा और कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं और जाना पड़ेगा। पर फिर भी एक बार चांसेस है अल्मोड़ा जाने के। तो 4 बार प्लान कैंसिल होने के बाद में जो हमारा प्लान था अल्मोड़ा का भाई वह कैंसिल ही हो चुका है। अब एक नई लोकेशन ढूंढिए। अरे क्या नाम था उस लोकेशन का? पंगोट। तो हम विशाल भैया के साथ बैठ चुके हैं, और अब का जो प्लान है भाई सीधे राइड अब करी जाएगी और पंगोट की साइड निकलते हुए। तो अभी जो है हम नैनीताल वाले रास्ते पे ढूंढने वाले, बस काला डोंगी पहुँच गए हैं, और ये काला डोंगी का चौराया, और यहाँ से अब टर्न लेने के बाद में नैनीताल पहुँचना है। और जो मेन रूट जा रहा है पंगोट का वो है हमारा नैना पीक वाला जो रास्ता था, उधर से और ऊपर की साइड जाएंगे बस। तो अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो व्यू है ना वो अल्टीमेट वाली फीलिंग आनी चालू हो गई है पहाड़ों को देखते ही, और जो पेड़ है भाई इतने हरे हरे, कुछ अलग ही हिसाब का व्यू चल रहा है बस। पैरों को बांधे बेड़िया बताए सा कहानिया। तो भाई हमने एक जगह थोड़ा सा रुकने का सोचा है, क्योंकि पंगोट वाली जो लोकेशन है वो बस मुश्किल से 3 किलोमीटर रह गई होगी, पर एक चीज़ में फ़र्क है, पंगोट जो है वो है 4 किलोमीटर, पर एक चीज़ सोचे थे कि पंगोट पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसी तरीके की लोकेशन ना मिल जाए बस, जहाँ पे ये जंगल ही जंगल हो, और ऐसी लग रहा है मुझे ऐसा ही सीन होने वाला है हमारे साथ अब।
फनगोट जो है 4 किलोमीटर है, कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, पंगोट जो है वो 4 किलोमीटर है, पर पंगोट अभी तक आज तक हम कभी गए नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जगह कैसी होगी यार, क्योंकि अभी तक जब से घर से निकले हुए हैं मत पूछो। पंगोट के जो रास्ते हैं काफ़ी खूबसूरत है और हम निकल चुके हैं फिर दोबारा पंगोट के रास्तों में। मैं ना कैंप है क्या भाई यहाँ ऊपर कहाँ चल रहे हैं? मुझे लग नहीं रहा है बाइक का रास्ता होगा, बाइक का रास्ता मुझे भी नहीं लग रहा है। तो ये कैंपिंग का होगा और कुछ नहीं है, कैंप है खाली यहाँ पे और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हमारे साथ में एक बड़ा अच्छा प्रैंक हुआ, इतने ज़्यादा दूर आने के बावजूद भी एक जो लोकेशन ढूंढ रहे थे, क्या नाम था इस जगह का, पंगोट, पंगोट, तो पंगोट में हमने सोचा कुछ अच्छा मिलेगा, पर पंगोट आने के बाद में पता चलता है कि आप कितना भी ऊपर चले जाओ आपको खाली जंगल ही जंगल मिलेगा, कोई अच्छी लोकेशन नहीं है यहाँ पे देखने की नहीं। तो अभी हमने एक अंकल से तो पूछा था, तो उन्होंने अभी हमें एक लोकेशन बताई है, कहा कि ऊपर जाओ चले जाओ नीचे की साइड से टेम्पल है, तो बस वहीं जा रहे हैं अभी। और पीछे आपको मेरा दोस्त मीठा दिखाई दे रहा होगा। ये जो रास्ते हैं बस अब इन ऑफ रोडिंग हम बाइक चलाएंगे और उसके बाद में फिर एक नई सी लोकेशन कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर मिल गई तो सही है। उतरना पड़ेगा और ये इधर पीछे वाली जगह से भाई जो बाइक से हमारी फिसलनी चालू हो गई है, क्योंकि ये कुछ नहीं छोटे छोटे पत्थर है और छोटे छोटे पत्थरों पर ये पंगोट वाला प्लान बनाया किसने था मुझे बस इतना बता दो यार। सैम भाई यार तू क्या चूतिया है तू, हैं हम तो पराई चूतिया, आज पता चला तुझे ये जंगलों में क्यों लेके आया रे तू। विशाल भैया मैप पे रास्ता चेक कर रहे हैं और उनको रास्ता भी नहीं पता, कह रहे रास्ता ही नहीं है मैप पे। अबे तू कहां लेके आ गया भाई, ये रास्ता मैप पे ही नहीं है। अरे भाई अब पंगोट वाला जो प्लान था वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है भाई हमारा, बहुत बढ़िया करके हमारा सी हुआ है, और उसके बाद में अब दूसरी सी प्लानिंग करते कि चलना कहाँ है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से कुछ नहीं हो पा रहा, रहने दो नहीं बोलना भाई, मुझे कुछ हो ही नहीं पा रहा है आज तो, पता नहीं दिन ही क्या है, मतलब कि इतना ज़्यादा जल्दी है, जब हम लेट करते हैं और घर से निकलते हैं 2 या 1 बजे तब पहुंच जाते हैं इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे, और आज सुबह निकली है 6 बजे तो कुछ नहीं मिल पा रहा। ये हमारे राइडर देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके, पत्थरों से खेल रहे हैं पत्थरों से। कोई कह रहा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो पत्थरों से खेलो यार, क्या पता क्या है नीचे अंडा का। सब लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और चलना है बस, अब क्या कर सकते हैं यार, मैं इसको लेके जाऊंगा, मिक्की भाई अब पैदल जा रहे हैं। मोड़ना भाई, सैम तुम में यार जान नहीं है तो क्यों ले लेते हो तुम ये गाड़ी, तुम जब तुमसे नहीं हो पाता कुछ, सिंगल सिंगल होके जा, कभी भी पंगोट मत आना, पंगोट आओगे तो सी बन जाओगे, बहुत बुरा है रोड, इतना बुरा है कुछ नहीं मिलेगा आपको। आगे ऊपर जाके मिलते हैं हम सीधे। सैम की गाड़ी फिसल तो भी गई है और मुझे डर लग रहा है कि मेरी गाड़ी का क्या हाल होगा। ये विशाल भैया तो ले गए और शिवम भाई यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए ये हमारे राइडर अब पैदल आते हुए और सबके पास पे हमारे राइडर दो दो हेलमेट लेके आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही होगी आपको पंगोट आके, तो कैसा लगा आपको पंगोट? शिवम भाई मजा आ गया पंगोट में, मजा आया शिवम भाई, बहुत मजा आया, कैमरा अलाउ नहीं थे तो वीडियो नहीं बना पाए। कैमरे अलाउ नहीं थे तो भैया वीडियो नहीं बना पाए हम, और नेटवर्क नहीं थे जो लाइव आ जाते हम। तो अभी कुछ खाने की नहीं रुके हुए हैं और उसके बाद में देखते हैं फिर करना है क्या है, क्योंकि आज का जो दिन है मुझे तो लगता है वो पूरा ट्रैवल का भरा हुआ है और ट्रैवल में ही जाएगा, पर कुछ खा लेते हैं। अभी के सीन ऐसे हैं, मोमो खा रहे हैं जब तक पराठे आ रहे हैं, हालात सबके बहुत बुरे हैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते। पराठे खा लिए
और मोमोस अभी बाकी हैं। विशाल भैया चाय पी रहे हैं भाई। क्या कर रहे चाय पी और क्या करेंगे और कर भी क्या सकते हैं भाई। घूमने अभी जगह मिली नहीं है आज। आज भाई अपना पुराना नैनीताल जाएंगे। आज का जो है पूरा ऐसे ही निकल गया दिन में। पूरा टाइम वेस्ट हो गया सैम चूतिया की वजह से। तो अभी हम थोड़ा सा बाहर की साइड आए हैं और पीछे का जो व्यू है यार काफ़ी अल्टीमेट सा आया थोड़ा बहुत। मेरे सामने का व्यू बादल नीचे आया है कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम लोग वहाँ से आए थे सामने की साइड से ट्रैक करते हुए इधर से, और उसके बाद में अभी फिर हम गए यहाँ नीचे और कुछ नहीं मिला। तो फाइनली ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है क्योंकि इतने ज़्यादा प्लान्स बनाए सब कुछ करा और कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये राइड जो थी थोड़ी सी बकवास सी गई पर इन्जॉयमेंट ज़्यादा कर लिया, इतना कवर नहीं कर पाए पर जो चीज़ें सोची थी वो हो नहीं पाई। तो ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। लाइक एंड शेयर और कर देना और क्या कह सकते हैं।